यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। मैंने जो यहाँ पर लेवल दिया था आप लोगों के सामने है, देख सकती हो। मैंने यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को कह दिया था जो यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से एंट्री लेना है। और यहाँ पर देख सकते हो ये फ्राइडे का बाज़ार था और यहाँ पर देख सकते हो यहीं से कितना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। देखिए एक बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी फट जाती है, और एक बात का आप लोग पूरा ध्यान में रख लेना, जो सच्चाई बोलता है उसके चैनल पर व्यूज़ कभी भी नहीं आता है। जो लोग यहाँ पर झोला छाप घूमते हैं और जो लोग यहाँ पर झोला छाप हैं उनको सच्चाई कभी भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि रीज़न है, क्योंकि सच्चाई सुनने की ताकत किसी के अंदर नहीं होता है। सिर्फ यहाँ पर झूठ 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 सिर्फ झूठ झूठ ही चलता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, जब तक आप लोग सच्चाई से अपना मुंह मोड़ोगे तब तक इस मार्केट में टिक नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, चाहे आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करो या ना करो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोग ये सोचते हो आपके लाइक करने से या फिर आपके सब्सक्राइब करने से मुझे कुछ मिल जाता है, तो भाई एक बात तो साफ साफ सुन ले, इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, ना तो मुझे इससे कुछ मिलने वाला भी है, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों को जितना मर्जी बोल दो, तुम लोग सिर्फ उन्हीं झोला छाप के चक्कर में फंसे रहोगे और खुद भी एक दिन झोला छाप बन जाओगे। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं आखिरकार सोमवार के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर दिया। अब आप लोगों को पूरा क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पर जो क्या सिनेरियो बन के आ रही है। ध्यान में रखना मेरी बातों को। जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर क्लिक कर लें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जा कर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएगा। अब लॉजिक यहाँ पर समझना, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है भाई मेरे, उसे ध्यान से देख लेना। ये देखो ये है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है, एक बार दो बार तीन बार चार बार, और आज के दिन देख सकते हैं यानी कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर देख सकते हैं इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकडाउन किया, अगेन यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया और इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक ज़रा समझो। मान लो अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है इसे ज़रा समझो। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, तुम लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला। देख भाई मेरे, जब रिट्रेसमेंट करने आती है किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल के पास, यानी कि वो सपोर्ट हो या फिर रेजिस्टेंस हो, वो एंट्री हमारे लिए 70% एक्यूरेसी के साथ होता है। जी हाँ, यहाँ पर समझ लेना मेरी बातों को, 70% आप लोगों को उसके अंदर क्या मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगा। तभी मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ जो आप लोग रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री ले, जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो। और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 25,090 का। दूसरा टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है जो कि लेवल होगा 25,198 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 25,200 का। ये दो टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या होगी इसे भी ज़रा ध्यान से सुन लेना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर
एक घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, क्या करती है, पाउज ले लेती है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेट। ठीक है, जब यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न बनाएगी, सिंपल भाषा के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर जब एक रेंज बनाएगी यानी कि यहाँ पर बॉक्स पैटर्न बनाएगी, जब इस बॉक्स पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और ये दो टारगेट के लिए आप लोग जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, इसे बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि 15 मिनट का कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगा बियरिश कैंडल, ये जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, ध्यान से समझना मेरी बातों को, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो। और ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 24,868 का लेवल है, यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है। आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,736 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट के अंदर अंदर अगर इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो, जो कि लेवल निकल के आ रही है 24,652 का लेवल है। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना एसएल को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, इसे भी ज़रा सुन लेना, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब ये रेंज ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और जैसा कि मैंने फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, एग्जैक्ट देख सकते हो इसी लेवल से क्या लिया गया, रेजिस्टेंस लिया गया और देख सकते हो पूरा का पूरा दिन गिरावट देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर, देख सकते हो। तो जिन लोगों ने फ्राइडे वाला एनालिसिस वीडियो को फॉलो किया होगा वो लोग फ्राइडे के दिन बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पर लाइव प्रूफ है, यहाँ पर कोई भी झोला छाप नहीं चलता है, यहाँ पर देख सकते हो। अब आप लोगों को सोमवार के दिन बैंक निफ्टी के अंदर कैसे कामकाज करना है और कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखना, इसे मिस मत करना। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, जी हाँ, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 50,900 का लेवल है, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, मान लो अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी से लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का हाई होगा अगेन इस हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है,
तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 51,020 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है जहाँ से हमें बैंक निफ्टी के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ऑफरिंग लेने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो, जो कि लेवल होगा 50,738 का। यहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हो या तो फिर अपना SL को ट्रेल कर सकते हो। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहाँ पर वेट करना होगा। फ्लैट खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब मान लो कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 50,487 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर पुट की एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और ये जो पहले का लो होगा अगेन इस लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और यहाँ पर 100 से लेकर के 150 के टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हो और 100 से लेकर के 300 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। ध्यान में रखना, अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग ले लेती है या फिर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है या तो फिर गैप डाउन ओपनिंग ले लेती है और एक रेंज के अंदर अगर कामकाज करती है तो आप लोगों को यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा सब इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।